हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिजिक्स इज लव से आपका स्वागत है। तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूज़न स्टार्ट किया था। उसमें हमने फिशन वाला पार्ट हमने पहले वाली वीडियो में पूरा कर लिया है। वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिए। आज हम न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हमारा पार्ट नंबर 8 है आज का, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूज़न। और उसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। अभी फ्यूज़न का सिंपल मीनिंग मैं बताऊँ तो फ्यूज़ होना मतलब कि कंबाइन होना। ठीक है, अगर दो अलग अलग चीज़ें हो गई है और उसको अगर हमें कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन जैसे हो रहा था, न्यूक्लियर फिशन में क्या हो रहा था कि यूरेनियम था, ठीक है, जो हैवी न्यूक्लियस है, उसको हम न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डिंग करवाते थे ताकि वो दो पार्ट में डिवाइड होता था और उसमें से न्यूट्रॉन है वो बाहर निकलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हैवी न्यूट्रॉन था, यहाँ पे लाइटर न्यूट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे दो पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, वहाँ पे एक ही यूरेनियम था, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, वो कंबाइन होंगे, दोनों लाइट होंगे। ठीक है, और कंबाइन होके फ्यूज़न रिएक्शन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक लाइट न्यूक्लियाई है, एक दूसरा लाइट न्यूक्लियाई है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक दोनों सिमिलर ही हो। ठीक है, कि सपोज एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है और दोनों कंबाइन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर एक हाइड्रोजन हो, दूसरा हीलियम हो, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हो, दूसरा ड्यूटेरियम हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि दो लाइट न्यूक्लियाई का मीनिंग ये है कि दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, थीके? तो दोनों मैंने देखो अलग अलग शेप वाले बनाए हैं यहाँ पे, मतलब कि दोनों एक छोटा एक बड़ा ऐसा हो सकता है, और दोनों का कंबाइन होके यहाँ पे हमें एक बड़ा न्यूक्लियाई मिलेगा। ओके, एक बड़ा न्यूक्लियाई मिलेगा। तो ये पूरा इसका ऐसा प्रोसेस होता है। तो सिंपल इसका मीनिंग देख लीजिए कि व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल हैवी न्यूक्लियाई। ठीक है, वहाँ पे फिशन में क्या होता था कि एक हैवी न्यूक्लियस था, उसका हम फिशन करते थे। ठीक है, वो ब्रेक करते थे ताकि वो उसमें से एक सिंगल दो या उससे ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई हमें मिलते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो या उससे ज़्यादा, ठीक है, कंबाइन करेंगे ताकि हमें सिर्फ एक सिंगल हैवी न्यूक्लियाई मिले और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे जो मिलेगा उसके बाद प्लस एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्रिएट होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मास डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियाई इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूज़न। यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले था, ठीक है, सपोज़ ये लिथियम है और ये हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों का कंबाइन होके कुछ अलग ही यहाँ पे मिलेगा, इसकी वजह से यहाँ पे उसका मास में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मास में डिफरेंस आने की वजह से जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम फ्यूज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये क्या है, 1H2 का कंबाइन हो रहा है। 1H2 का मीनिंग होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसका आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम है, दोनों का कंबाइन होके हमें यहाँ पे हीलियम मिल रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है, दो लाइट न्यूक्लियाई है, दोनों सिमिलर है यहाँ पे, ऐसा हो भी सकता है ना भी हो, ठीक है, दोनों सिमिलर है, दोनों का कंबाइन होके यहाँ पे हीलियम एक हैवी न्यूक्लियर हमें मिल रहा है। तो द मास ऑफ द सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म्ड इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल लाइट न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास होगा एक सिंगल न्यूक्लियस का, ठीक है, जो
मास है, द मास ऑफ द सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस जो बाद में बनेगा उसका मास क्या होगा, वो कम होगा ये दोनों जो कंबाइन हुए उसके मास से। अभी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि दोनों कंबाइन होने के बाद, यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों का समेशन होने के बाद यहाँ टोटल जो मिले वो ज़्यादा होगा, है ना। तो हम तो ऐसा बोलना चाहिए कि यहाँ पे सिंगल न्यूक्लिया है उसका मास कम है यहाँ इसके न्यूक्लियाई से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ द सिंगल न्यूक्लियस जो यहाँ पे बाद में बन रहा है उसका न्यूक्लियस का जो मास है जो फॉर्म हो रहा है वो ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर ये ड्यूटेरियम है और ये ड्यूटेरियम है, ठीक है, ये दोनों का जो मास है वो दोनों का समेशन कर दे। अभी अगर हम दो का समेशन करते हैं, ठीक है, और लास्ट में जो हमें मिलता है वो ऐसा हो सकता है कि क्या हो कि यहाँ पे वो है ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करे, ठीक है। अभी एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मीनिंग क्या कि यहाँ पे इसका मास है वो डिक्रीज हो गया, एनर्जी रिलीज़ कर दी इसके लिए। तो ये डिक्रीज जो हुआ मास, तो उसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों का हम कंबाइन करें, दोनों का समेशन करें मासिस का, वो मास वो ज़्यादा होगा किसके मास से, इसके मास से, मतलब कि ये वाला है वो ज़्यादा होगा। ओके, वो फिशन वाला था उसमें भी वैसा ही था, ठीक है, कि जो फिशन से पहले जो प्रोसेस हो रही है न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम वाला, ठीक है, उसके फिशन के बाद जो प्रोसेस हो रही है वो, तो फिशन के पहले जो प्रोसेस होती थी उसमें जो एनर्जी है जो मास है वो ज़्यादा था कंपेयर विथ जो फिशन के बाद वाला था उससे, ठीक है। मतलब कि फिशन के बाद है उसकी एनर्जी डिक्रीज होता था, उसका मास भी डिक्रीज होता था, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कुछ रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सेम सिचुएशन है, दोनों का समेशन करके जो भी मिलेगा हमें वो ज़्यादा होगा इसके कंपेयरिंग में। ओके, तो द ये डिफरेंस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यहाँ पे हमें पता है कि मास क्या है, मास सॉरी एनर्जी क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू सी स्क्वायर, बरोबर। तो यहाँ पे अगर हमें मास चाहिए है तो हमें एक एनर्जी भी हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मास पता लगाना है तो एनर्जी से ही पता लगा सकते हैं हम, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू सी स्क्वायर, ठीक है, ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है मास एनर्जी का, तो हम इससे ही पता लगा सकते हैं। तो एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, इसका मीनिंग है कि मास भी उसका कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये दोनों है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आया समझ में। इसके बाद थोड़े से इसका जो कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, मास कम हो रहा है, ठीक है, वो कैसे कम हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि हमने एक न्यूक्लियस, ये देखिए यहाँ पे ड्यूटेरियम है, दोनों ड्यूटेरियम का समेशन हो रहा है और लास्ट में हीलियम मिल रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ड्यूटेरियम है वो और एक हीलियम है वो, ठीक है, दोनों का मास हम ले लेते हैं और यहाँ पे दोनों ड्यूटेरियम का समेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे हीलियम का मास है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है ड्यूटेरियम का, 2.014102 AMU, ठीक है, AMU का मीनिंग होगा एटॉमिक मास यूनिट, और 2 हीलियम न्यूक्लियस का क्या होगा, 4.002604 AMU, ठीक है। अभी अब एक काम करते हैं कि ये जो ड्यूटेरियम है, हमें हमारे पास दो ड्यूटेरियम है, दोनों का कर देते हैं समेशन, तो क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा बिफोर फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे दो ड्यूटेरियम है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो हो गया, तो क्या हुआ 4.028204। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखें 4.00, यहाँ पे क्या है 4.02, मतलब कि 0.02 की एरर है इसमें, ठीक है, यहाँ पे उतना ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो द मास ऑफ द न्यूक्लियाई आफ्टर फ्यूज़न कितना है, 4.002604 AMU है। तो यहाँ पे मास डिफरेंस कितना होगा, दोनों का माइनस कर देते तो मास डिफरेंस इतना मिला 0.0256 AMU, मतलब कि इतनी एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो गई, ठीक है। अभी हमें अगर
एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो अगर पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसका जो ये सी स्क्वायर है ये MeV के फॉर्म में सी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.0256 को 931.3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी 23.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी है वहाँ पे रिलीज होती है। इसकी वजह से वहाँ पे ऐसा होता है कि फ्यूजन से पहले जो मास है वो ज़्यादा होता है विथ कंपेयर टू आफ्टर फ्यूजन। ओके, तो यहाँ पे मैं एक आपको इमेज दिखा रही हूँ, ठीक है, ये देखिए इस तरह का कुछ यहाँ पे हो रहा है। ये क्या हो रहा है, देखिए ये ट्रिटियम है, ठीक है, ये हीलियम है, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रिटियम और ये ड्यूटेरियम दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ट्रिटियम और ड्यूटेरियम दोनों का कंबाइन हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है। फ्यूज़न होने के बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से निकलेंगे हीलियम और निकलेगा न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये फ्यूज़न रिएक्शन है। और फिशन में हम क्या देखते थे कि एक ऐसा यूरेनियम है और उस पर बोम्बार्ड करवाते हैं हम, क्या बोम्बार्ड करवाते हैं हम, न्यूट्रॉन बोम्बार्ड करवाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन हमें बाद में आखिर में मिलता है, यहाँ पे फिशन में हम स्टार्टिंग में ही न्यूट्रॉन को बोम्बार्ड करवाते हैं और लास्ट में हमें दो न्यूक्लियाई अलग अलग हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इससे हम रिवर्स प्रोसेस बोल सकते हैं कि दो जो न्यूक्लियाई है उसको हम कंबाइन कर देते हैं और कॉम्बिनेशन से हमें यहाँ पे हेवी न्यूक्लियाई और यहाँ पे न्यूट्रॉन हमें बाहर मिलता है, ठीक है। तो ये हमने अभी फ्यूज़न स्टार्ट किया है, अभी ये फ्यूज़न की प्रोसेस, जैसे हमने फ्यूजन की प्रोसेस में सब देखा था कि कैसे उसमें हम कौन कौन सा रिएक्टर यूज़ कर सकते हैं, पावर रिएक्टर है, बिडर रिएक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कौन कौन सा रिएक्टर हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूज़न प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी वीडियो में प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और मेरे वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।